अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सरनवीद खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.4 की तरफ आते हैं, यूनिट नंबर 2। इस एक्सरसाइज के अंदर जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं एक्सपोनेंशियल रूल्स और मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने यूज़ करना है और इस क्वेश्चन को या जो नीचे हमें 4 पार्ट्स गिवन है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 हमें गिवन है 243 की पावर -2/3, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 32 की पावर -1/5 और डिवाइड हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 196, लेकिन 196 की पावर नेगेटिव में है। फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ आ जाएगा, सोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ आ जाएगा। सेकंड स्टेप में चूंकि 243 की पावर नेगेटिव में है, पावर प्लस करने के लिए 243 का हम रिसिप्रो कर लेंगे 1/243, तो जो पावर में या एक्सपोनेंट में नेगेटिव साइन है वो इग्नोर हो जाएगा। उसके बाद 32 की पावर भी माइनस में है, प्लस में लाने के लिए पावर को पॉजिटिव करने के लिए 32 का रेसिप्रोकल लिखेंगे 1/32, और ये डिवाइड हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 196 की पावर -1, तो डिवाइड हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 196 की पावर -1 है, लेकिन स्क्वायर रूट की जगह हमने 1/2 इसका इंडेक्स डाला नीचे इस। अच्छा, अब आते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। 243 की जगह हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, साथ में पावर एज इट इज़ आ जाएगी। 32 की जगह लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और पावर 1/5 एज इट इज़, और ये -1 और 1/2 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -1/2 आ जाएगा और ये डिवाइड बरकरार रहेगा एज इट इज़। 2/3 पावर 1 को मिल जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, और 2/3 पावर 3 की पावर 5 को मिल जाएगा तो ये 3 की पावर 2 5 10 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। साथ में 1/5 1 को मिल जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/5 2 की पावर 5 को मिल जाएगा, तो पावर 5 और 1/5 आपस में मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। डिवाइडेड बाय, देखो डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं, इसकी पावर नेगेटिव में ना पावर पॉजिटिव करने के लिए देखो हमने अपॉन में लिख लिया 1/96 की पावर 1/2 हमने लिख लिया। पावर पॉजिटिव करने के लिए अगेन हमने 196 का रिसिप्रोकल लिया 1/196, ये एज इट इज़ आ जाएगा। 5 and 5 विल गेट कैंसिल, 1/2 बच जाएगा। मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई क्या किया हमने, ये डिवाइड मल्टीप्लाई पे चला जाएगा, तो ये इसका इस फ्रैक्शन का हम कन्वर्स करेंगे, तो कन्वर्स करने के लिए हमने ऊपर लेकर आए लेकिन साथ में 196 को ब्रेक किया 4 मल्टीप्लाई बाई 49 में। अब पावर 1/2 दोनों के ऊपर हैं, तो जब पावर टोन तो हमने पावर के क्या किया, 1/2 4 को भी मिल जाएगा, 49 को भी मिल जाएगा, 1/2 4 को मिल जाएगा, लेकिन 4 की जगह हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया, और 49 की जगह हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। दोनों को 1/2 मिल जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर दोनों से कैंसिल हो जाएगा। साथ में 10 को हमने ब्रेक किया 1+9 में, और 3 जो डिनोमिनेटर में है 1 को अलग मिल जाएगा 1/3, और 9 को अलग मिल जाएगा 9/3। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और साथ में न्यूमरेटर में सिर्फ 7 बच जाएगा। 3 की पावर 1/3 आ जाएगा, और प्लस यही बेस 9/3 को मिल जाएगा। 9/3 3 की इक्वल है और ये बेस उसको मिल जाएगी, तो ये 3 की पावर 3 आ जाएगा। 7 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट का इंडेक्स है 1/3, तो इसकी जगह क्यूब रूट ऑफ 3 हमने लिखा, और 3 का क्यूब 27 की इक्वल है, तो हमारे पास आंसर आ गया न्यूमरेटर में 7 डिनोमिनेटर में 27 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 3। ये हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म है इसकी, यानी इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया 7 डिवाइडेड बाई 27 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 दोनों एक साथ सॉल्व किए मैंने। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या गिवन है,
टू एक्स की पावर 5 वाई की पावर माइनस 4 और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 8 एक्स की पावर माइनस 3 वाई का स्क्वायर, ये दोनों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। गिवन दैट सॉल्यूशन में सबसे पहले एज इट इज़ ये स्टेप आ जाएगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसके बाद 2 और माइनस 8 एक साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16 आ जाएगा, एक्स पावर 5 वाई की पावर माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 3 वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। फिर इसके बाद हम x वाले कंबाइन करेंगे, x वाली टर्म x पावर 5 के साथ x पावर माइनस 3 आ जाएगा और y की पावर माइनस 4 के साथ y स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर शुड बी एडेड, तो x की पावर 5 माइनस 3 आ जाएगा और इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर शुड बी एडेड, तो y की पावर माइनस 4 प्लस 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 16 के साथ, x की पावर 5 से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो x की पावर 2 बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 4 प्लस 2 वाई की पावर माइनस 2 बन जाएगा, क्योंकि माइनस 4 प्लस 2 से क्या आता है, ये आता है माइनस 2 आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉस यानी मल्टीप्लाई ख़त्म हो जाएगा, सिंपल हम लिखेंगे माइनस 16 एक्स की पावर 2 वाई की पावर माइनस 2। अब वाई की पावर नेगेटिव में है, पॉजिटिव में करने के लिए इसको हम डिनोमिनेटर में लेकर आ रहे हैं, तो माइनस 16 एक्स स्क्वायर ऊपर रह जाएगा और डिवाइडेड बाय वाई की पावर माइनस 2 ये नीचे आके डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर बन जाएगा, यानी वाई की पावर प्लस 2 बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 भी सिंपल है। गिवन दैट सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, स्टेप एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं कि देखो जो पावर नेगेटिव में है अगर वो न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे और जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चले जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले एक्स की पावर माइनस 2 है, हम क्या करते हैं इस पावर माइनस 3 को प्लस करने के लिए इन दोनों का हम रिसिप्रोकल करेंगे, तो डिनोमिनेटर ऊपर लिखा जाएगा और ये न्यूमरेटर जो है वो नीचे लिखा जाएगा, तो पावर इसकी वजह से पॉजिटिव में आ जाएगी। पावर पॉजिटिव में आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम देखो ये x की पावर माइनस 2 है, ऊपर जाके x की पावर 2, इन दोनों जब डिवाइड हो रहे हैं तो पावर इसके क्या हो जाएंगे, माइनस हो रहे हैं, तो ये x की पावर माइनस 2 वहाँ जाके x की पावर प्लस 2 बन जाएगा और बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, तो x की पावर 4 प्लस 2 आ जाएगा। सेम y की पावर माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा, ये y की पावर माइनस 1 ऊपर जाके y की पावर प्लस 1 हो जाएगा, बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड की मदद से कंबाइन करेंगे तो y की पावर माइनस 3 प्लस 1 आ जाएगा। या डिवाइड वाला रूल, z एज इट इज़ आ जाएगा बेस और 0 ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो 0 प्लस 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ये x की पावर 2 प्लस 4 6 बन जाएगा, y की पावर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 बन जाएगा और z की पावर 0 प्लस 4 4 बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब x की पावर 6 एज इट इज़ आ जाएगा, y की पावर 4 एज इट इज़ आ जाएगा, y की पावर माइनस 2 है तो ये नीचे आके y की पावर प्लस 2 बन जाएगा और होल पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा। पावर 3 तीनों टर्म्स के ऊपर है तो तीनों के पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 x के 6 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 वाई स्क्वायर के साथ 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर 18 y की पावर सॉरी x की पावर 18 y की z की पावर 12 और डिवाइडेड बाय y की पावर 6, हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 इसका इंपॉर्टेंट है, 1 इंपॉर्टेंट है और इसका पार्ट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। 81 की पावर n साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 5 फिर माइनस 3 की पावर 4 एन माइनस 1 और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 243 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 2n और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 3। गिवन दैट एज इट इज़ आ जाएगा स्टेप। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, 81 की जगह हमने लिखा 3 की पावर 4, क्योंकि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 81 और साथ में 3 की पावर 5 एज इट इज़ आ जाएगा 3 की पावर 4n, बेस पावर में 4n और माइनस 1 दोनों को प्रोवाइड करेंगे, 3 की पावर 4n बन जाएगा और 3 की पावर माइनस 1 बन जाएगा। साथ में 243 की जगह हमने लिखा है 3 की पावर 5, क्योंकि 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 बन रहा है। 9 की जगह मैंने लिखा 3 का स्क्वायर और पावर में 2n और 3 का क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। अगले स्टेप में 4 और n मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 4n, 3 की पावर 5 एज इट इज़ आ जाएगा और ये 3 की पावर 4n एज इट इज़ आ जाएगा और 3 की पावर माइनस बेसिस आर सेम, दोनों के पावर शुड बी एडेड, 5 माइनस 1 आ जाएगा। नीचे 3
3 की पावर 2 है और फिर 2 एन डबल पावर शुड बी मल्टीप्लाइड, तो 3 की पावर 2 टू ज़ा 4 एन बन जाएगा, 3 की पावर 4 एन और 3 का क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। अब आगे हम क्या करते हैं, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये 3 की पावर 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ 3 की पावर 4 एन एज इट इज़ आ जाएगा, और इसकी 3 की पावर 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, टेकिंग 3 की पावर 4 एन डॉट यानी मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 इज़ कॉमन। जब ये हम कॉमन करते हैं तो देखो 3 की पावर 4 एन कॉमन चला जाएगा, 3 की पावर 5 से 3 की पावर 3 कॉमन करेंगे तो 3 की पावर 2 बच जाएगा, माइनस एज इट इज़ 3 की पावर 4 एन तो कॉमन चला गया है, 3 की पावर 4 से 3 की पावर 3 कॉमन चला गया तो 3 की पावर 1 बचा, और सार डिनोमिनेटर में 3 की पावर 4 एन डॉट 3 की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसके साथ न्यूमिनेटर में 3 की पावर 4 एन मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 ये डिनोमिनेटर वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, और साथ में 3 का स्क्वायर 9 बनता है और 3 की पावर 1 3 बनता है, 9 से 3 माइनस करेंगे तो ये 6 आ रहा है। इसका मतलब हुआ इस चीज़ को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 6 की इक्वल आया। अब आते हैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं और चारों पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें सिर्फ एक पार्ट दिया हुआ है और वो भी हमने प्रूव करना है, यानी शो करना है कि ये चीज़ जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें गिवन है, ये प्रूव करना है कि ये 1 की इक्वल है, यानी राइट हैंड साइड की इक्वल हमने प्रूव करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हम सपोज करेंगे x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b, ये एज इट इज़ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब x की पावर a है, एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन ये x की पावर b ऊपर जाके x की पावर माइनस बी आ जाएगा न्यूमिरेटर में। सिमिलरली ये डिनोमिनेटर x की पावर c ऊपर जाके x की पावर माइनस सी आ जाएगा, और x की पावर a ऊपर जाके x की पावर c के साथ x की पावर माइनस a आ जाएगा। इन दोनों के बेसिस सेम है, पावर शुड बी एडेड, a माइनस बी आ जाएगा, a प्लस बी एज इट इज़। इन दोनों के बेसिस सेम है, b माइनस सी पावर एड हो जाएंगे, b प्लस सी पावर में आ जाएगा। बेसिस आर सेम, c माइनस ए पावर एड हो जाएंगे तो c माइनस ए जाएगा और ये c प्लस ए। डबल पावर शुड बी मल्टीप्लाइड, तो x बेस एज इट इज़ आ जाएगा, a माइनस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी के साथ। x एज इट इज़ आ जाएगा, b माइनस सी मल्टीप्लाई हो जाएगा b प्लस सी के साथ। x एज इट इज़ आ जाएगा, c माइनस ए और c प्लस ए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगला x एज इट इज़ आ जाएगा, बेस a प्लस बी, a माइनस बी क्लोज करेंगे फार्मूले की मदद से तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। सेम यहाँ पर भी हमने कर रहे हैं, x एज इट इज़ b माइनस सी और b प्लस सी फार्मूला की मदद से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन रहा है, और सेम यहाँ पर भी हमने c प्लस ए और c माइनस ए को क्लोज किया तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना। इन तीनों के बेसिस सेम है, एक आ जाएगी बेस, पावर शुड बी एडेड, इसकी पावर और ये तीनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, तो ये तीनों पावर आपस में एड हो जाएंगी, तो प्लस ए स्क्वायर विल गेट कैंसिल विद माइनस ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर विल गेट कैंसिल विद माइनस बी स्क्वायर, एंड प्लस सी स्क्वायर विल गेट कैंसिल विद माइनस सी स्क्वायर। तो सब कैंसिल आउट होने के बाद एक्स की पावर क्या आ जाएगा, जीरो बच जाएगा, और एक्स की पावर जीरो किसकी इक्वल है, वन की इक्वल है, क्योंकि एज मैंने रिजल्ट लिखा हुआ है कि एनी नंबर पावर जीरो इज इक्वल टू वन। तो ये वन हमारे पास आया, और वन हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, सो वेरीफाइड या हमने प्रूव कर लिया ये। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अगेन हमारे पास 4 पार्ट्स गिवन है, 4 पार्ट इसके गिवन है और चारों पार्ट हमने सिंप्लीफाई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 ये हमें गिवन है, 2 की पावर 1 ओवर 3 है, 27 की पावर 1 ओवर 3 है, 60 की पावर 1 ओवर 2 है, 180 की पावर 1 ओवर 2 है, साथ में 4 की पावर माइनस 1 ओवर 3 है और 9 की पावर 1 ओवर 4 है। 2 की पावर 1 ओवर 3 एज इट इज़, फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड स्टेप में हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। 2 की पावर 1 ओवर 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 27 की पावर 1 ओवर 3, 27 की जगह लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3, क्योंकि 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 27 बन रहा है, इस वजह से 27 की जगह हमने लिखा 3 की पावर 3, और पावर 1 ओवर 3 एज इट इज़ आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 60 की जगह हम इसको प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, लेकिन 4 हमने 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। नीचे एज इट इज़ 180 को हम ब्रेक करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 5 ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 180, और साथ में पावर 1 ओवर 2, पावर 1 ओवर 2 आ जाएगी। 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और साथ में माइनस 1 ओवर 3 पावर में आ जाएगा।
9 की जगह अगेन हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 3 का स्क्वायर पावर 1 ओवर 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद 2 की पावर 1 ओवर 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 एंड 3 विल गेट कैंसिल, 3 बच जाएगा, 1 ओवर 2 3 को मिल जाएगा, 3 की पावर 1 ओवर 2 1 ओवर 2 5 को मिल जाएगा, 5 की पावर 1 ओवर 2 1 ओवर 2 2 स्क्वायर को मिल जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में 1 ओवर 2 2 स्क्वायर को भी मिल जाएगा, 1 ओवर 2 3 स्क्वायर को भी मिल जाएगा, 1 ओवर 2 5 को भी मिल जाएगा, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा और डबल पावर शुड भी मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 ओवर 3 आ जाएगा। साथ में 3 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और 1 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास आ रहा है। अब ये करने के बाद हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 की पावर 1 ओवर 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 की पावर 1 ओवर 2 एज इट इज़ आ जाएगा, क्लियर। और ये 2 हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं 2, क्लियर। 1 2 3 4 5 टर्म्स हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ 2 बच जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रेडिकल वैल्यू स्क्वायर और 1 ओवर 2 कैंसिल, सिर्फ 3 बच जाएगा, 5 की पावर 1 ओवर 2 आ जाएगा, 2 की पावर माइनस 2 ओवर 3 आ जाएगा, और ये 2 ओवर 1 को सिंप्लीफाई 2 ओवर 4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 की पावर 1 ओवर 2 आ जाएगा। ये 3 की पावर 1 ओवर 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 5 की पावर 1 ओवर 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल और ये 3 इस 3 के साथ, ऊपर हमारे पास 4 टर्म नीचे 4 टर्म के साथ कैंसिल हो रही है, तो 2 की पावर 1 ओवर 3 बचा ऊपर। और ऊपर हमारे पास एक और चीज़ क्या, नीचे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 2 की पावर माइनस 2 ओवर 3 है, लेकिन ये न्यूमिनेटर में जाके 2 की पावर प्लस 2 ओवर 3 आ जाएगा। बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, पावर ऐड करेंगे, 1 ओवर 3 प्लस 2 ओवर 3 को हम ऐड करेंगे इस एलसीएम की मदद से, तो एलसीएम आ जाएगा, 3 और 3 का 3 आ जाएगा, न्यूमिरेटर एज इट इज़ आ जाएंगे, न्यूमिरेटर को दोनों को प्लस करेंगे, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 3 1 की इक्वल होता है और 2 की पावर 1 2 की इक्वल है। इसका मतलब हुआ अगर हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है, 2 की इक्वल आ रहा है। अब आते हैं इसके बाकी पार्ट्स की तरफ। इसका पार्ट नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का, इन क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर ये पेपर में आ जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ 216 होल पावर 2 ओवर 3, 25 की पावर 1 ओवर 2 और डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाई 0.04 होल पावर माइनस 1 ओवर 2 और होल स्क्वायर रूट, ये गिवन डेट, ये चीज़ हमें गिवन है। 216 की जगह हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब, पावर एज इट इज़ आ जाएगी। 25 की जगह लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसकी पावर 1 ओवर 2 एज इट इज़ आ जाएगी। और हमने डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 0.04 की जगह हमने 4 डिवाइडेड बाय 100 लिखा। ये 3 और 3 कैंसिल, 6 की पावर 2 आ जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल, 5 की पावर 1 5 की इक्वल आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4 और 100 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ओवर 25 बन रहा है और ये डिवाइड हो रहा है, क्लियर। और इसकी पावर माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2, स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, ये फर्स्ट दोनों टर्म्स एज इट इज़ आ जाएगी, डिवाइडेड बाय माइनस 1 ओवर 2 को प्लस में लाने के लिए, पावर को प्लस में लाने के लिए 1 ओवर 25 का हम रिसिप्रोकल लेंगे। 1 ओवर 25 का रिसिप्रोकल क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, तो 25 की पावर 1 ओवर 2। अगले स्टेप में 25 की जगह हमने 5 स्क्वायर लिखा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट 1 ओवर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 5 का मतलब है अपॉन में 5, 6 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 बचा तो 5 अपॉन में लिखा, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे तो 6 का स्क्वायर बचा और साथ में स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस चीज़ को जब हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो ये हमारे पास आंसर क्या आया, 6 आया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल, एक छोटी सी चीज़ है कॉन्सेप्चुअल, वो पहले मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कि पावर ऑन पावर क्या चीज़ है और पावर इनटू पावर क्या चीज़ है। सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, पावर ऑन पावर पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि पावर ऑन पावर का क्या मतलब है। देखिए ये एक एग्जाम्पल मैं सपोज कर रहा हूँ, ए की पावर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 और फिर पावर 2 है, इसका मतलब हुआ पावर ऑन पावर, पावर की ऊपर पावर है। अगर हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब है 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर 9 आ जाएगा।
यानी पावर के ऊपर पावर है, तो इसका मतलब हुआ ये 3 टू टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं पावर ऑन पावर। और नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर इन टू पावर, यही एग्जांपल हम यहाँ चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ए की पावर 3 है और फिर होल पावर 2 है, इसको पहले इसको बोलते हैं पावर इन टू पावर। दोनों पावर के बीच ब्रैकेट आ रही है, तो इसका मतलब हुआ ये हम 3 और 2 यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 6 बन रहा है। तो बताने का ये मतलब है कि एक पावर ऑन पावर केस है और एक पावर इन टू पावर केस है। यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है, यहाँ दोनों पावर मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो 5 की पावर 2 और फिर 2 की पावर 3, ये पावर ऑन पावर केस है, और इधर 5 की पावर 2 फिर ब्रैकेट है फिर पावर 3 है, तो ये पावर इन टू पावर केस है। गिवन दैट फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ आ जाएगा, बेस 5 एज इट इज़ आ जाएगी, और देखो 2 की पावर 3 का मतलब है पावर ऑन पावर, तो 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 8 बन जाएगा, डिवाइड एज इट इज़ आ जाएगा, और ये पावर इन टू पावर है, बेस एज इट इज़ आ जाएगी 5 और 2 3 जा, क्योंकि पावर इन टू पावर में जब दो पावर के बीच ब्रैकेट आ जाती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 जा 6 बन रहा है, डिवाइड है बेस सेम आ जाएगी और पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो 5 की पावर 8 माइनस 6, ये 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 25 की इक्वल आ जाता है। सेम इसका पार्ट नंबर 4 भी इसी तरह है, यहाँ पे पहले पावर इन टू पावर है और यहाँ पे पावर ऑन पावर है। गिवन दैट पहला स्टेप एज इट इज़ आ जाएगा, पावर इन टू पावर का मतलब है डबल पावर मल्टीप्लाइड, 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 बन जाएगा, और इधर पावर की पावर है, पावर ऑन पावर है, तो 3 की पावर 2 अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 3 जा 9 हमारे पास बन रहा है, तो x की पावर 6 बन रहा है, ये x की पावर 9 बन रहा है, बेस से सेम है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाएंगे, 6 से 9 माइनस करेंगे तो x की पावर माइनस 3 बन जाएगा, और x की पावर माइनस 3 का मतलब है 1 ओवर x की पावर प्लस 3, यानी x की पावर को माइनस से प्लस में लाने के लिए इस चीज़ को हम अपॉन में लिखेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।